हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग हैं? आप लोग बड़े होंगे। सो भाई लोग, आज ना निकले छोटा मोटा राइड करने के लिए। तो फोन लेने के बाद ना बहुत दिन हो गया मैं राइड के लिए नहीं निकला, क्योंकि मेरा थोड़ा बुखार हो रखा है, सर्दी वगैरह और बहुत कुछ मतलब हो रखा है मुझे, इसीलिए मतलब इतना दिन से मैं निकल नहीं पाया। तो आज काफ़ी दिनों के बाद निकल रहा हूँ और मेरा साउंड जो है ना वो भी काफ़ी ख़राब सा आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि सर्दी लगा हुआ है मेरा, तो जिस वजह से ना मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा, नाक ना मेरा पूरा बह रहा है, ऊपर से जाम भी हो रखा है। तो चलते हैं आज कुछ छोटा मोटा राइड करते हैं। और सबसे पहले ना मुझे एक काम मिल गया, मेरे बहन को कुछ देना है, तो वो गए हैं हॉस्पिटल। उसको क्या हुआ मतलब उसके नहीं, उसके दादी को लेके वो गए हॉस्पिटल, तो जिसके वजह से ना अभी उसने कुछ लिया नहीं। तो पहले चलते हैं बहन को हॉस्पिटल, चलते हैं बहन को देते हैं जो देना है उसको। मतलब किया दिया मुझे भी मालूम नहीं, सीधा पैक करके रखा हुआ है, कोई दवाई वगैरह ही होगा। तो पहले बहन को वो दे देते, बहन को वो देते उसके बाद निकलते हैं राइड के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई लोग फाइनल तो पहुंच चुके हैं मेडिकल, और ये देखो आज सभी ढूंढते हैं बहन को, कहाँ रहा है, कहाँ है बहन। काफी दूर बैठा है, सो भाई लोग बहन को तो मैंने जो देना था वो दीदा, जैसे मैं जो सोचा था वही निकला, जो पैक करके दिया था ना उसके अंदर दवाई था। तो फिलहाल बहन को देके ना निकल चुका, सोचा था कि बहन के साथ जाओ, लेकिन बहन को ना हॉस्पिटल में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो जिसलिए मैं और मेरा दोस्त निकल चुके। अभी ना चलते हैं हाईवे के साइड, हाईवे के साइड जाने के बाद ना कुछ छोटा मोटा राइड प्लान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठ बैठ के ना मुझे अच्छा नहीं लगा, ऊपर से बुखार भी है ना, इस वजह से घर पर बैठे बैठे घुटन सा फील हो रहा है, तो इसीलिए फिलहाल निकल चुका आज, थोड़ा सा छोटा मोटा राइड करते हैं। तो चलिए चलते हैं हाईवे के साइड जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो रेस चालू हो चुका है, देखो BS6 का फायदा BS4 को छोड़ते हुए निकल रहा है ये, निकलने नहीं देना है मुझे। ओ, रोड ब्लॉक हो गया, लेकिन दोनों ना थोड़ा बहुत ना वो आगे निकल गया था, अभी फिलहाल पीछे रह चुका है। तो अभी खींचते देखते कब तक, मतलब जो रेस की तरफ तो नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा ड्रैग की वगैरह ही कर रहे हैं हम लोग, अभी फिलहाल निकल रहे हैं हम लोग। इन सब के वजह से ना हाईवे पे राइड करने में दिक्कत है, साला चूतिया लोग, कैसा कैसा लोग रहता है यार, मरेगा तो मरेगा खुद, दूसरों को भी ले मरेगा, तो ये सब के लिए ना कुछ दिक्कत हो जाता है। भाई लोग सीन ना कुछ गलत हो गया था, तो फुल पावर हम दोनों निकले थे, मैं और मेरा दोस्त जो है ना बाइक में फुल पावर निकले थे, मतलब मैं जब खींचा था मेरे विली पॉप अप हो गया था, दोस्त मतलब दोनों एक साथ निकले थे, लेकिन एक एल्टो वाला ना सामने से आके एक बार इस साइड जा रहा है, एक बार ये साइड जा, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो इन लोगों की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो गया था, इसीलिए मैं और मेरे दोस्त ने खींचना ही बंद कर दिया। तो आज तो नहीं खींच सकते क्योंकि रिक्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मतलब 2-3 बार ऐसे अटैम्प्ट हो गया कि हम लोग मरते मरते बच चुके हैं। तो अभी दोस्त कहाँ रह गया, वो काफ़ी पीछे रह गया, स्लो स्लो राइड कर रहा है अभी फिलहाल। तो आज ना ड्रैग जो है वो तो नहीं करते, स्लो स्लो राइड करते हैं, जा रहा है एक लोकेशन की तरफ, तो प्लानिंग हो गया हम लोग का, इसीलिए हाईवे छोड़ के ना ये वाला रोड पकड़ लिया। तो फिलहाल चलते हैं वो लोकेशन पे जाके बताएंगे कि उस लोकेशन में ज़्यादा मतलब क्या है, किस लिए उस लोकेशन पे जा रहा हूँ। तो फिलहाल चलते हैं वो लोकेशन के साइड। और जब भाई देख सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ठीक है सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यूज नहीं इंक्रीज हो रहा यार, व्यूज डाउन हो रहा है, मतलब जो भी व्यूज आ रहा था ना उससे भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है, किस लिए हो रहा है मालूम नहीं चल रहा, कुछ तो फॉल्ट हो रहा है जिसके वजह से ना नहीं हो रहा। लेकिन अभी जिस लोकेशन पे जा रहा हो ना, वो सोच जो मतलब 2023 में किया हुआ था, जुलाई के महीने में, 28 जुलाई, याद है कुछ हा? सो भाई लोग मैं जिस लोकेशन पे जा रहा हूँ ना, जुलाई मतलब 2023 जुलाई 28 को, मतलब इस लोकेशन में मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, जो जो ना मेरे साथ पहले से मेरा वीडियो देख रहा है उन लोगों को तो मालूम है कि हुआ क्या था। तो देखो ये मतलब मिक्सर वाला भी बैठा हुआ है, तो ही पर आए थे हम लोग घूमने के लिए, तो मैं तब ना नया नया RS लिया था, तो एक ही वीडियो डाला होगा, तो मेरा बाइक जो ना वहाँ पर रखा हुआ था, तो नहाने के लिए गया था जगह पे ना, नहाने के लिए बहुत आता था हम लोग, तो वापस नहाने से आने के बाद ना देखा कि मेरा बाइक ही नहीं है, सोचो कितना मतलब दर्दनाक कहानी था मेरे लिए। तो मैं पूरा भूल गया था कि मैं कुछ था मेरे पास, मतलब यहाँ से जब निकला था ना जाने के टाइम पे, तो काफ़ी मतलब रफ निकला था, निकलते टाइम दिखाएंगे कि कैसे निकला था यहाँ से।
सो भाई लोग, व्यू जो है कुछ ऐसा है। तो व्यू तो काफी नेक्स्ट लेवल का व्यू आता है यहाँ का। तो व्यू काफी औसम है, लेकिन जो मेरे साथ हादसा हुआ ना वो ज्यादा ही औसम था, क्योंकि मेरा एक बार नहाने का मतलब 2 लाख दे के मैं नहाया यहाँ पर। तो व्यू चेक कर सकते हो कैसा है। तो अभी इधर से ना निकल रहे, क्योंकि अभी इस लोकेशन में पहले जैसा मजा नहीं है, तो आदमी काफी कम आने लगा। पहले ना ये सब जो लोकेशन है अभी, ये टाइम पूरा बाइक से फुल रहता था, है कि नहीं भाई। पहले जब मेरा बाइक चोरी होने, जिस दिन चोरी हुआ था उस दिन भाई अंकल पूरा लगभग बाइक ही बाइक था ना। 100 या 150 बाइक था, कम बोल दिया, उससे ज्यादा था, मतलब एक अनुमानिक उससे ज्यादा था। यहाँ पर जब हादसा हुआ था, जिस दिन मेरा बाइक चोरी हुआ था, उस पार में भी था। उस पार में भी फुल था, मतलब ये पानी पार करके उस पार भी फुल था। आरएस था, यहाँ से पार नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आरएस का आप लोगों को मालूम है ग्राउंड क्लियर काफी कम रहता है, तो इसलिए पार नहीं किया। हम लोगों ने वो साइड रख दिया था वो वहां पर, तो वहीं पर चलते आप लोगों को दिखाते। सो भाई लोग, जहां पर मैंने मतलब बाइक रखा था, ये वो प्लेस है, मतलब यहीं पे पार्क किया था। तो इसी लोकेशन में मतलब मैंने पार्क किया था, वो सामने जो पत्थर है ना, मतलब ब्लैक जो कुछ गिरा हुआ है, वहीं पर मैंने पार्क किया था। तो तब मेरा बाइक वहां पर था, लेकिन वहां से जब मैं वापस घूम गया ना, देखा यहाँ पर मेरा बाइक ही नहीं है। मेरे दोस्त लोग जो है ना वो बोल रहे थे कि तेरा बाइक नहीं है, तो मैं सोचा मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। मैं वहां पर थोड़ा धीरे धीरे आ रहा था, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। तब मैं मतलब पैर में दर्द हुआ था मेरा, मतलब वहां से गिर गया था तो पैर में थोड़ा सा दर्द था, तो धीरे धीरे आ रहा था। वो लोग बोल रहा था कि भाई तेरा बाइक नहीं है, तो मैंने सोचा कि यार बाइक क्यों नहीं है। तो मैंने सोचा प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी करते रहता हूँ ना लोगों के साथ, बाइक नहीं है तो कुछ नहीं है वगैरह, फलाना ढिमकाना जो मन में आता है मैं बोलते रहता हूँ। तो आप वापस ना, मैं 2-3 बार फोन किया, उसके बाद मेरे को लगा कि भाई इतना बार तो नहीं बोलेगा ना। तो मैं वहां से भाग भाग के, जो पानी दिखा था ना वहां पर आप लोगों को वाटर क्रॉसिंग, वहां से भाग के आया था। आके देखा मेरा बाइक है, अपने सबका बाइक है। तो मैंने ऐसे राउंड में रखा था, सामने किसी और का बाइक था, तो वो सामने वाला बाइक नहीं था, सिर्फ पीछे का जो जितना बाइक है सब था, और मेरा बाइक बीच में नहीं था, बस यही था। उसके बाद तो मैं मतलब रो दिया था यार, इतने मेहनत से लिया था। एक बार भी मतलब अच्छे से, जिस दिन चोरी हुआ था उसी दिन मतलब मैंने राइड किया था उसका। उसके पहले भैया मेरे दोस्त सबको चलाने दिया, लेकिन काफी दोस्त को ना अभी भी मतलब बोलता है कि साला बाइक एक बार चलाने नहीं दिया, लेकिन गुम कर दिया मैंने। तो फिलहाल इधर से निकलते, तो वो बोल के तो इतना ज्यादा बोल के बाइक भी वापस नहीं आएगा। तो मेरा दोस्त वहां पर रुका है, आ क्यों नहीं रहा। तो फिलहाल इधर से निकलते हैं। भाई लोग, आपने तो लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं फोन लिया था, इसने भी मतलब फोन लिया था मेरे साथ, मतलब मैं पहले लिया था, दूसरे दिन इसने जाके फोन लिया। लेकिन एक बात बोलूँ, कॉपीकैट मैंने इसको क्यों बोला था लास्ट वीडियो में, तो आज देखा। तो देखो ये रहा मेरा फोन जो मैंने मतलब, अरे मैं तो ये फोन मेरा बाइक है, ये बाइक मैंने वॉलपेपर लगा रखा है। तो सेम टू सेम ये देखो डिट्टो, पीछे सिर्फ इसका वॉलपेपर ही अलग है, और काफी कुछ नहीं, सब मेरा फोन पूरा कॉपी करके रखा है। तो फोन ऊपर से तो सेम है, बैक साइड से भी देखो पूरा सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैं जो कलर लिया इसने भी वही कलर लिया, मैंने जो कवर लिया इसने भी वही कवर लिया। कवर भी देखो सेम टू, ये देखो ब्लैक ब्लैक, मतलब मैंने जिस कलर में फोन लिया उसने सेम लिया, जिस कलर में कवर लिया उसने सेम लिया। लेकिन उसमें ना यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ था जो फोन के पीछे आता ना, मैंने हटा दिया, क्योंकि मैं बोला पूरा सेम लिया तो सेम ही रहने दे। तो बाकी का कुछ सेम ही है, मतलब जो है इसका रैम वगैरह, इसका भी रैम वगैरह बाकी दोनों सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, मतलब एकदम सेम टू डिप्टो सेम ले रखा है। देखो ना एक बार पीछे से, मतलब पीछे का भी व्यू देखो, पूरा सेम टू सेम फोन है। मतलब इसीलिए इसको ना मैं कॉपीकैट बोल रहा था। देखो मतलब कोई कॉपी करता है, ऐसा कोई कॉपी करता है क्या किसी का। मैंने बोला था इसको कि कोई दूसरा ले ले, नहीं ये दूसरा नहीं लेगा, मैंने जो ले इसको वही लेना है, मालूम नहीं इसको क्यों लेना पड़ा। सो भाई लोग, वीडियो जो था ना, मैं अच्छे से मतलब वीडियो बना नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा आवाज जो है ना बार बार अटक रहा है। और अभी ना मुझे बाइक चलाना काफी ठंडा लग रहा है, मतलब इतना ठंड लग रहा है ना, जैसे कि मानो सर्दी के महीने में आप लोग बिना जैकेट के जैसे निकलने से ठंड लगता है ना, कुछ ऐसा ठंड लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ना मेरा बुखार शायद फिर से ज्यादा हो रहा है। तो जल्दी से घर चलते और वीडियो ना यहीं पर खत्म करते, क्योंकि वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा आवाज जो है ना वो अटक अटक के आ रहा है, क्योंकि बार बार नाक बंद हो रखा है ना, तो जिसकी वजह से ना मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग किसी नए वीडियो में किसी नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।